जय हिंद दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज की जो जर्नी है वो होने वाली है हमारी नई दिल्ली स्टेशन से धौलपुर के लिए। आप जैसे देख सकते हैं पहुंच गए नई दिल्ली। दोस्तों आज की जो ट्रेन है वो होने वाली है पंजाब मेल। अगर इस पूरे सफ़र के डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 250 किलोमीटर का जो सफ़र है आज हम तय करने वाले हैं। और जो ट्रेन है पंजाब मेल वो 5:15 पर चलती है नई दिल्ली से, धौलपुर पहुँचाती है लगभग 9:13 पर। और इस तरह से जो है सामान की लोडिंग अनलोडिंग यहाँ पे होती हुई, देखिए जो पार्सल हैं भारतीय डाक के वो यहाँ पे जाते हुए। दोस्तों ये एक डिपार्चर यहाँ से होता हुआ नई दिल्ली स्टेशन से। दोस्तों हम पहुंच गए फरीदाबाद। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अभी स्टेशन पे जो है थोड़ा अफरा तफरी का माहौल है। दोस्तों इस तरह का जो स्टेशन है फरीदाबाद बहुत यहाँ पे दिखाई देता है। सुबह के यहाँ पे 5:30 बज चुके हैं फरीदाबाद से। एक शानदार डिपार्चर यहाँ से होता हुआ। पलवल स्टेशन सुबह का टाइम है, लोगों का जो आना जाना है वो शुरू हो गया है स्टेशन पे। अभी तो खाली पड़ा हुआ है, ट्रेन जो है स्टॉपेज यहाँ पे नहीं है ट्रेन का। डीजल लोकोमोटिव 11.25। दोस्तों जो नज़ारा है सुबह का वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ये जो रूट है यहाँ पर हमें गन्ने के खेत मिल रहे हैं, मक्का मिल रही है। दोस्तों 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच गए हैं कोशीकला स्टेशन।
प्रयागराज सामने से जाती हुई। दोस्तों ये देखिए मथुरा जंक्शन हम पहुंच गए हैं और इस तरह का कुछ नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सामने हमारे खड़ी है न्यू दिल्ली। अभी देखते हैं कौन सी है, नज़र नहीं आया थोड़ा सा अभी, देखते हैं कौन सी है। बेसिकली जो मथुरा है वो धार्मिक स्थल है अपने आप में, काफ़ी फेमस है नई दिल्ली, एक ये बेंगलोर, इसको योग नगरी भी कहा जा सकता है। और यहाँ की मथुरा के पेड़े और मथुरा की कचौड़ी बहुत फेमस है। अभी लाके जाएगा तो अभी ही अभी नहीं अभी ना जाके तो बाहर से बैठे बंगल क्या बैठे भैया। दोस्तों कुछ अपना मथुरा जंक्शन इस तरह का दिखाई देता है। दो मिनट की देरी से जो है ट्रेन यहाँ पहुँची है जंक्शन पे और इस तरह का जो जंक्शन है मैं दिखा दूँ एक बार अपना। दोस्तों मथुरा जो नगरी है ये अपनी फेमस है यहाँ की कचौड़ियों के लिए और यहाँ के पेड़े के लिए, और ये धार्मिक नगरी भी है। यहाँ पर आपको जो लोग हैं काफ़ी दूर से लोग आते हैं और ये मथुरा से डिपार्चर होता हुआ दोस्तों ये है छोटा सा स्टेशन फरह जो मथुरा के बाद पड़ता है और ट्रेन यहाँ पर अभी सिग्नल की वजह से, रेड सिग्नल की वजह से यहाँ पर रुकी हुई है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं धौलपुर स्टेशन। ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा स्टेशन है धौलपुर। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 250 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे कवर करा और 9:30 बजे राइट टाइम से हम धौलपुर पहुंच गए हैं। कुछ इस तरह से अपना धौलपुर स्टेशन नज़र आता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी, साथ में चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।